जब वो कॉल मैंने आपसे कहा कैंग्री हो जाते हैं, तो वो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसी तरह से किडनीज भी जो अफेक्टेड होती हैं, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। और उसकी वजह जो है वो यही होती है कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ होने की वजह से जो शिरियाने होती हैं किडनीज़ के अंदर जो कि खून सप्लाई करती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, किडनीज़ के अंदर स्क्लेरोसिस हो जाता है, फिर पहले प्रोटीन ज़ाया होना शुरू होते हैं, फिर प्रोटीन बढ़ते चले जाते हैं, फिर एक वक्त ऐसा होता है कि जो जहरीले मादे खून में हैं वो किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाती, फिर अल्टीमेटली वो क्रिएटिनिन जो है बढ़ता है, फिर बहुत एडवांस हो जाए तो फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है किडनी फेलियर की सीक्वेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्ल्ड डायबिटीज़ डेज हम मना रहे हैं, डायबिटिक डे मना रहे हैं आज 14 नवंबर को, मेनली इसका क्या एक होता है ना, आपका क्या मोटो है कि इसको आप देखिए, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है 1992 में जो है वो शुरू किया गया था, और इसको फिर बाद में 2007 में इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी अडॉप्ट कर लिया था। ये बेसिकली डायबिटीज़ के अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए है, क्योंकि डायबिटीज़ एक एपिडेमिक है। मैं एक कॉल ले लेते हैं पहले, सॉरी, और फिर उसके बाद पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? ज़ुल्फ़िकार अली बात कर रहा हूं, कराची से। जी ज़ुल्फ़िकार बोलें। ये डॉक्टर साहब से ये सवाल करना था कि मैं जो ना, मेरी एज जो है वो 33 है और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ जी। तो तकरीबन ये लास्ट 3 मंथ से जो ना मुझे पता चला कि मुझे डायबिटिक हो गया, तो मुझे स्टार्टिंग में डॉक्टर साहब ने एमरल 1 mg के जो ना फास्टिंग में सुबह को और रात को भी खाना खाने से पहले एडवाइस की थी। तकरीबन मैंने 2 हफ्ते मेडिसिन खाई थी, तो उसके बाद मैंने मेडिसिन छोड़ दी। अभी मैं सिर्फ यानी कि एक फिजिकली हिसाब किताब से यानी कि वर्जिश के दौरान यानी कि मेडिसिन मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है, तो क्या ये मेडिसिन जो मैंने छोड़ी है वो मेरे लिए नुकसानदेह है या आके बिल्कुल ठीक है? ठीक है, बस यही सवाल है। हाँ यही सवाल है। बहुत शुक्रिया, अभी आपको ऑनर जवाब देते, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी डॉक्टर। देखिए इनका जो सवाल है कि इनको डायबिटीज़ डायग्नोस हुई 3 महीने पहले किसी डॉक्टर ने एमरल शुरू किया, फिर उन्होंने बंद कर दिया इसे। अब ये सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर है, यानी डाइट और वॉकिंग वगैरह पे। तो अगर इनकी शुगर कंट्रोल है तब तो ठीक है। कंट्रोल का मतलब ये है कि निहार मुँह शुगर जो है वो 70 से 110 के दरमियान रह रही है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 80 से 160 के दरमियान। अगर ये फिगर्स मेंटेन कर रहे हैं सिर्फ परहेज़ और वॉकिंग पे तो ठीक है, अगर नहीं है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके मेडिसिन दोबारा कंटिन्यू कर शुरू करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, क्या ऐसा है कि अगर आप मेडिसिन छोड़ दें तो आपको बाद में दोबारा से इसे कोई ज्यादा? देखिए मेडिसिन छोड़ने का तो जवाज ही नहीं है, जवाज नहीं है, अनलेस कि आपकी शुगर्स बहुत अच्छी कंट्रोल हो गई है या लो हो रही है, तो फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको खुद से कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वो हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे कि हम क्यों 14th को मनाया जाता है ये डे, और आप कहते हैं अवेयरनेस, तो डॉक्टर साहब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अवेयरनेस किस किस्म की होती है आपकी, हम लोग ये जो मनाते हैं? अच्छा देखिए, 14 नवंबर का जो डेट इसलिए चुना गया था कि जो इंसुलिन डिस्कवर किया था जिन लोगों ने, उनमें से एक की बर्थडे है 14 नवंबर, सो दैट इज द रीजन कि 14 नवंबर को जो है वो डेट हमने किया। सही। अवेयरनेस जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। अवेयरनेस जो है ज़्यादातर पब्लिक अवेयरनेस होती है, क्योंकि पब्लिक को जो इसके अंदर हम प्रोग्राम्स करते हैं मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, गवर्नमेंट लेवल पे इसकी अवेयरनेस को बढ़ाई जाती है ताकि वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान बनाए। तो इसका थ्रू आउट मतलब कि एट एवरी लेवल जो है हम इसकी अवेयरनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पेशेंट के लेवल पे भी, वो जो प्लानर्स हैं उनके लेवल पे भी, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो केस को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको सबकी जो है अवेयरनेस हम इम्प्रूव करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, तो उसके बारे में एक, लेकिन उससे पहले मैं कॉल ले सकती हूँ प्लीज, उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? फरजाना बात कर रही हूँ। जी फरजाना, मुझे ना हर जो भी मैं खाना खाती हूँ, अगर खास तौर चाय, जैसे चाय में अगर मीठा थोड़ा सा ज्यादा, जी जी, कोई भी स्वीट डिश तो मेरा सर जो है चकराने लगता है। अच्छा। ऊपर से जो मेरे सर का हिस्सा है वहाँ का चक्कर आते हैं। अच्छा। तो वैसे मैंने अभी चेक नहीं कराई है, लेकिन मेरी एज जो है वो 34 की है। अच्छा। तो मुझे क्या पूछना चाह रही है इस चीज की? आप क्या पूछना क्या चाह रही है? मतलब खाने के बाद चक्कर वगैरह आना, ये भी डायबिटीज के नाम है? अच्छा, यही बस सवाल करेंगी जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं डेली देखती हूँ, तो मैंने पहले भी कॉल की थी। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हवाले से बात कर रही थी। हाँ 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 बिल्कुल जी। चलिए मुझे ये बताइए कि मतलब इसकी जो
अच्छा ठीक है, अभी अभी पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया था, अभी दोबारा रिपीट कर देते हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी मैंने अभी ऑन किया है। ओके अच्छा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, जी उन्होंने जो अलामत अपनी बताई हैं, अब वो स्पेसिफिक तो नहीं है डायबिटीज़ की, उन्होंने कहा है कि खाना में अगर चीनी वगैरह चाय में पड़ जाती है तो उसके बाद उनकी उनको सर में दर्द और चक्कर आता है। मेरा मेरी एडवाइस ये होगी कि वो टेस्ट अपना शुगर का करा लें, सही क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये जो हेडेक होना खासकर वो खास अलामत नहीं है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़े से दोबारा से सिम्टम्स बता दें जो आपने पहले कहा था, वो रिपीट कर दें। देखिए सबसे पहले तो मैं लोगों को बताऊं कि सिम्टम्स उसी सूरत में होगा जब शुगर काफ़ी बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर थोड़ी सी बढ़ी हुई शुगर होगी तो कोई अलामत नहीं होगी, कुछ तो पता ही नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। सही, तो सिर्फ अगर आप टेस्ट कराएंगे या कोई इंश्योरेंस के लिए चेकअप चाहो या एग्जीक्यूटिव चेकअप करा रहे हैं, कोई भी चेकअप हो रहा है तो पता चल जाएगा। लेकिन सिम्टम्स उस वक्त आएंगे जब शुगर काफ़ी बढ़ी हुई। और सिम्टम्स दोबारा बता देता हूँ, प्यास की ज्यादती, पेशाब की ज्यादती, वजन का कम होना, भूख का ज्यादा लगना, इन्फेक्शन होना, धुंधलापन आंखों में, ये सारे। हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। और डॉक्टर साहब से मैंने इंसुलिन की क्या इंपॉर्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, उसके बारे में सवाल किया था। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक।